एफएनओ मार्केट का पूरा एक्शन जान लेते हैं वीरेंद्र से, मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। बताइए वीरेंद्र। शुक्रिया दीपाली। इनफैक्ट आप देखिए आज के सेशन में एक ही चीज़ फॉर द टाइमिंग ये है, इनफैक्ट दो चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि 200 डेमा को समहाउ हमने सिक्योर किया हुआ है, जिसको हमने क्लोजिंग बेसिस पे कल ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 7783 पर सिक्योर किया हुआ था। आज भी एटलीस्ट 7783 सिक्योर्ड है, और इसी के चलते अगर आप देखें एक चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ की बात मैं करूँगा जो आई मीन रिलीफ है कि पुट राइटर 7800 का अभी है। मीन फॉर द टाइमिंग यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग से पहले अगर आप देखें तो 7800 की पुट का राइटर है। अगर आप 7800 की पुट में देखें 8.25 लाख शेयर, इनफैक्ट 8.5 लाख शेयर जुड़े हैं दीपाली। तो एटलीस्ट इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें, अगर आप किसी पुलबैक ट्रेड को खेलना चाहते हैं या फिर कोई लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं 77-70, 77-60 इस जोन में एक स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं, क्योंकि 7800 की पुट अपनी तरफ ओआई खींच रही है। 7700 की पुट में 2.25 लाख, 7600 की पुट में 4 लाख, तो वहाँ नीचे राइटर है। तो 7750-7760 अच्छा स्टॉप लॉस होगा अगर आप पुल बैक ट्रेड खेलना चाहते हैं। और बेयर्स के फेवर में ये बड़ी चीज़ है दीपाली की 7900 की कॉल, यहाँ पे ह्यूज एडिशन है। 7900 की कॉल में अगर आप देखें तो करीब करीब 7.25 लाख शेयर जुड़े हैं। तो फॉर टाइमिंग बाजार छोटी सी नैरो रेंज में छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ खेलना है तो खेलिए, और अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं तो याद रखिए 7870-7860 आपके स्टॉप लॉसेस होंगे अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे 7900 का कॉल राइटर भी है। तो और मैं अगर आप कोई ट्रेड नहीं चाहते हैं और इन आप शॉर्ट कॉल करना चाहते हैं, शॉर्ट पुट करना चाहते हैं, तो आई थिंक 7900-7800 दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार स्क्यूज लग रहा है आज, एक छोटी सी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, आप कोई भी अगर डायरेक्शनल कॉल लेंगे नहीं मिलेंगे आपको। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा दीपाली कि अभी तक एक अच्छी फीलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपका निफ्टी बैंक अभी 200 डेमा के नज़दीक भी नहीं है। याद रखिएगा निफ्टी बैंक का 200 डेमा है 16413, और ये उससे अभी काफ़ी पॉइंट के फ्रैक्शन से दूर खड़ा हुआ है, और इसीलिए ट्रेडर्स यहाँ पर आई थिंक एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं। मैंने सुबह से अगर आप देखें निफ्टी बैंक में अच्छी लॉन्ग पोजीशंस देखी है, 73,000 शेयर जुड़े हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में। हालांकि ये 38-39 अंक नीचे था जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से एक फॉर द टाइमिंग मार्केट के पास रिलीफ यही है निफ्टी बैंक। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, कुछ कॉल्स जो कि आप ले सकते हैं, कुछ स्टॉक्स जो कि इंटरेस्टिंग है। देखिए पहला स्टॉक मैं बताऊंगा एक्साइड, टेक्निकल्स पे और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव पे सबसे अव्वल दर्जे का स्टॉक है। मैं बताऊं क्यों साक्षी, इनफैक्ट ये एक ऐसा मात्र चार्ट है बाजार में जो कि मंथली पे, वीकली पे, डेली पर तीनों ही चार्ट्स पे अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है, और आज इसने अपना ऑलमोस्ट आप देखिए अप्रैल का जो प्रीवियस हाई था 153.40 रुपये वो काट दिया, और इसीलिए यहाँ पे ह्यूज एडिशन है। तो एक्साइड पे नजर रखिएगा प्रायोरिटी नंबर वन। दूसरा है वेदांता, एक छोटा पुल बैक ट्रेड अगर आप खोज रहे हैं तो वेदांता आपकी चॉइस हो सकता है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट ये जो इसका 200 डेमा है वो करीब करीब 105 के जोन में आता है, नीचे 50 डेमा और 200 डेमा वन ये 100 डेमा ये 94-95 के जोन में, वहाँ से इसने पुल बैक लिया है। तो आप 95 से 105 के बीच में अगर कोई ट्रेड खोज रहे हैं 100 पुल बैक का तो वेदांता आपकी चॉइस हो सकता है। और एक स्टॉक आप देखिए आप अदानी पोर्ट्स, मैंने स्ट्रेंथ की बात की एक्साइट, पुल बैक की बात की मैंने यहाँ वेदांता में, और एक टिपिकल पुल बैक ट्रेड अगर आपको एक पुल बैक ट्रेड खेलना है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ तो वो होगा वेदांता, माफ कीजिएगा अदानी पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इसने ऑलमोस्ट आज अपने प्रीवियस लो एग्जैक्टली अगर आप देखें जो पॉइंट्स थे उससे एक पुल बैक लिया है, अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट खींच रहा है। तो किसी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा पुल बैक ट्रेड खेलना है किसी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड काउंटर पे तो वो अदानी पोर्ट्स हो सकता है। आइडिया अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट खींच रहा है लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली किस तरफ जाएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट खींच रहा है अपनी तरफ काफी स्टॉक आज। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे एक्शन को समाप्त करने के लिए। कुछ और कॉलर्स की क्वेरीज ले लेते हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से पंकज जी जुड़े हैं। नमस्कार पंकज जी। हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास टाटा स्पॉन्ज के 50 शेयर हैं 426 या 36 की खरीद पे, तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 620 रुपए के आसपास है, तो अभी मुझे क्या प्रॉफिट ले लेना चाहिए या अभी होल्ड करूँ? मैं अभी लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ। ठीक है चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। 600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है टाटा स्पॉन्ज देखा जाए तो राकेश क्या करना चाहिए, शुड ही बुक पार्शियल प्रॉफिट्स या फिर अभी भी कंटिन्यूड मोमेंटम आपको नजर आ रहा है यहाँ? साक्षी मेरी समझ से तो पार्शियल नहीं फुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि मौजूदा 625 से अगर आप देखें 625 से 660 का जो जोन है एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है और इतनी आसानी से वो लेवल्स टूटेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर रैली पर मेरा ऐसा मानना है पूरी मुनाफा बांध के बाहर आके बैठना चाहिए। जी एक SMS ले लेते हैं और SMS हमें ये भेजा है NMDC पर सुशीला ने मुंबई से। NMDC का 100 शेयर्स है और परचेसिंग प्राइस है 180 का, क्या करना चाहिए राकेश? NMDC भी 90 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है।
देखिए दीपाली, काफ़ी पुरानी खरीद लगती है और कम से कम 1.5-2 साल पुरानी खरीद है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, इतना लंबा नुकसान बुक करने की राय तो नहीं दूंगा। पोजीशन में बने रहें, गिरावट में अगर स्टॉक 75 रुपये के अराउंड आता है तो एवरेजिंग करें। जी चलिए, आपको राय मिल चुकी है। अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। पुणे से रघुनंदन ये सवाल पूछ रहे हैं, इंफोसिस पर जानना चाहते हैं। 50 शेयर्स है इनके पास, 1135 का इनका परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर बंसल, इंफोसिस कैसा लग रहा है? 1210 पर चल रहा है, प्रॉफिट्स में भी है, क्या करना चाहिए अब? साक्षी, इंफोसिस काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 1150-1160 मुझे एक बेस लगता है और मुझे लगता नहीं है नियर टर्म में स्टॉक इनके नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा नज़रिया बढ़ाएं, 6 से 8 महीने का नज़रिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किरण का सवाल है अगला, औरंगाबाद से इन्होंने भेजा है, क्वेरी है स्पाइस जेट पर, और क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है वो 66 रुपीज का है। आज पोस्ट अर्निंग्स एक भारी मुनाफा वसूली शेयर में हावी हुई है, 6% से ज्यादा की वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि सिक्वेंशियल बेसिस पर जो नंबर्स हैं वो वीक रहे हैं। हालांकि अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रही है, लेकिन राकेश, आज की कमजोरी के बाद क्या रणनीति इनकी होनी चाहिए? और हालांकि अभी भी स्टॉक जो है वो इनके परचेजिंग प्राइस से ऊपर ही है। दीपाली, जैसे आपने मेंशन करा कि जो स्टॉक अभी भी इनकी परचेज प्राइस से ऊपर है, इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक कहाँ तक गया था, जो मुनाफा आ रहा है उसको बांध लें, उसी में मुझे लगता है समझदारी होगी। ऑल राइट, चलिए अगले कॉलर अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बिहार से शैलेंद्र ने हमें कॉल किया। नमस्कार शैलेंद्र जी। जी नमस्कार मैडम जी, बताइए। जी मेरे पास में ये केसी इंटरनेशनल है, 134.80 रुपये में हमने खरीदा हुआ 1000, और वैन एरिगेशन हमने 1000 लिया हुआ है 66.40 रुपये में। आपने पहला वाला स्टॉक कौन सा बोला जैन एरिगेशन से पहले? KEC इंटरनेशनल, ठीक है। वैसे हम इस पर ऑलरेडी राय ले चुके हैं, आपको जैन इरिगेशन पर राय दिलवा देते हैं। 1000 शेयर्स है इनके पास, 66 के परचेजिंग प्राइस के साथ, 2 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए राकेश? देखिए साक्षी, मुझे स्टॉक टेक्निकली अच्छा नहीं लगता है, मेरी राय में उछाल पे यहाँ से निकलने में एक अच्छी चीज होगी। अगर मिड कैप स्पेस में ही रहना है तो TV18 काफ़ी अच्छा लगता है, सिटी केबल काफ़ी अच्छा लगता है, गिरावट पर डिश टीवी को खरीदें, वहाँ यहाँ कहीं स्विच करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा।